क्या बात है चिकू, तुम्हारे भी घर में लक्ष्मी का आगमन हो गया। हाँ भाई, मैं भी यही चाहता था कि मेरे घर में लक्ष्मी आए। अरे वाह चिकू भैया, आपकी लीला अपरंपार है। मेरी लीला नहीं, ये सब ऊपर वाले की लीला है। देखा मेरा पावर, जब से मैंने शुरुआत की ना, तब से सबके ऊपर प्रेशर आ गया था बाप बनने का। मालूम है, चल अपने चाचा को मत सिखा। मेरे ऊपर कोई प्रेशर वेशर नहीं था, लेकिन शुरुआत तो मैंने ही की थी ना। अरे ओ लुप्पर दद्दू, हम सबको मालूम है कि तू इसमें नंबर वन है। अब बात समझ में आई? वैसे अब चहल की बारी है। भाई मैं हार्दिक जैसे गलत फैमिली में रहकर फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहता, मुझे टाइम है। देख मेरे भाई सुन, शादी करने के लिए प्लानिंग करना होता है, पापा बनने के लिए नहीं रे। मैंने तो शादी के लिए भी कोई प्लानिंग नहीं की थी। तुम्हारा ज्ञान तुम अपने पास रखो। भाई हम तो हमारा ज्ञान मोहल्ले में बांट चुके हैं। हाँ ठीक है, तेरे लिए तो आसान है ये सब करके दिखाना। नहीं भाई, इतना भी आसान नहीं है, बहुत सारी कॉफी पीनी पड़ती है। अरे ओ लुप्पर दद्दू बस कर, कितना कॉफी पिएगा तू? आप तो आते नहीं कॉफी पीने, इसलिए मैं अकेला ही पी लेता हूँ। अरे यार इसकी कॉफी काफी समय तक पीछा नहीं छोड़ रही है। देख भाई हार्दिक, तू पुरुष नहीं है। क्या मेरा मतलब, तू महापुरुष है, हम तो साधारण लोग हैं, हम तो टपरी की चाय पीते हैं। अरे भाई मैं तो नन्ना मुन्ना राई हूँ, क्रिकेट का सिपाही हूँ। बहुत हो गया, चल अपने चाचा को मत सिखा। शादी करके बाल बच्चे वाला हो गया, लेकिन अब भी बकैती करना नहीं भूला ये। आप कब से मेरा गेम लेने लग गए चिको भैया? वो क्या, जब से मैं बाप बना हूँ ना, तब से मेरी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। ए भाई ये डायलॉग मेरी थी, ऐसा मत करो वरना मैं कॉपीराइट क्लेम मार दूंगा। अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब से मैं बाप बना हूँ ना, मैंने सारे राइट्स खरीद लिए। चलो ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। मैंने माफी कब मांगी रहे हो? हार्दिक भाई अब तुम्हारा जमाना गया, अब मेरा जमाना शुरू होने वाला है। मुझे हल्के में मत ले, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा है। सब लोग कितना खुश है, लेकिन मेरा क्या होगा कालिया, सब ने प्रसाद खा लिया। अब तो रणबीर को भी मिल गई उसकी आलिया, कभी मेरे लिए भी बजाओ तालिया, कब तक मिलेगी मुझे गालिया। अरे यार ये पोपटलाल भी आ गया। भाई आपने कहा था पिछले साल आरसीबी जीतेगी और मेरी शादी होगी, लेकिन लगता है मैं सारी जिंदगी कुवारा रहकर सबको बाप बनते हुए देखूंगा। प्रिय बालक पोपट, चाहे तुम्हारी शादी का प्लान हो गया चौपट, तब तक तुम मेरे पास का एक रुपया लेके खेलो चितपट। तब तक मैं तुम्हारे लिए मनाली में जाके किसी प्रणाली को ढूंढ लूंगा जो तुम्हारी जीवन प्रणाली सुधार देगी। बस ज्ञान ही देता रहेगा या कभी तू भी शादी करेगा? प्रिय बालक कोहली, ये जीवन एक गहरा समंदर है जिसके अंदर मैं डुबकी लगा चुका हूँ। उस समंदर से कोई जलपरी किसी शादी के मंडप से भागी होगी, समझ लो वही तुम्हारी भाभी होगी, और शादी हमारी आबू धाबी में होगी, और उसी के पास मेरी तिजोरी की चाबी होगी, और भक्तजनों उसी चाबी से मैं सबकी तिजोरी खोलूंगा और सारी उधारी चुका दूंगा, क्योंकि मैं फॉर्म में हूँ। दुनिया के सारे फॉर्म खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका फॉर्म कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन स्पूफ ट्यूब को भी फॉर्म में रखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है।